वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आई होप मेरा कल का ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे आज कमेंट करके बताएंगे कि कल का ब्लॉग मेरा कैसा था। तो आज से मेरे कॉलेज, तो मैं कॉलेज के लिए रेडी हो जाती हूँ, तो कॉलेज के ड्रेस में रेडी होने के बाद मिलती हूँ आपसे। मैं रेडी हो गई और रेडी होकर मैं रूम से निकल रही हूँ। मैं काफ़ी देर बाद आज कॉलेज से आ रही हूँ, देखते हैं आज क्या होता है कॉलेज में। कॉलेज के अंदर इंटर कर गए थे, इसलिए दिखाया नहीं क्योंकि मेरा क्लास छूट रहा था, तो जल्दी जल्दी घुस गए। और ये देखिए मेरी कृतिका है, अभी एक क्लास ओवर हो गया है, इसमें सिर्फ दो फार्मूला में पूरा चैप्टर फिनिश। तो ऐसे होते हैं हमारे कॉलेज में पढ़ाई। तो जिसको जिसको भी एडमिशन लेना है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं यूँ एडमिशन करा दूँगी। तो चलिए बाहर नहीं सोचे, लाइब्रेरी चलते हैं, कुछ बुक वुक ले लेते हैं ताकि कॉलेज की लाइब्रेरी पे उपकार हो जाए, क्योंकि वो तो जाता नहीं है। पूरा कैंपस घूमते घूमते लाइब्रेरी पहुंच गए, चलते लाइब्रेरी के अंदर। तो लाइब्रेरी से बाहर आ गए, बट लाइब्रेरी का जो लिस्ट है वो नहीं आया है, तो हम लोग को वापस से मंडे को लाइब्रेरी का चक्कर दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, वैसे आज कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है क्योंकि कल हमारे सीनियर्स का लास्ट एग्ज़ाम ओवर हुआ है, और फिर कल से वापस हमारा छुट्टी है, यानी फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे कॉलेज में। क्लासरूम आ गए, वो क्लास अब स्टार्ट हो गया है, और लेकिन सर नहीं है गाइस। प्राइस दिखा दियो क्या है? ये देखिए हमारा कॉलेज फैन, और ये देखिए मेरे कुछ सुंदर सुंदर नारी जो हमारे क्लास की, ये देखिए अब कुछ नारी जो पढ़ाई कर रही हैं, वो देखिए हमारे कॉलेज का फैन, कॉलेज का फैन। और डेली आप सबको ये सब देखने को मिलेगा, ये देखिए। और मैं किसी और की जगह पर बैठी हूँ, और देखिए कृतिका हमको बोलते हैं फोन मत चलाओ क्लास में, खुद ही चलाती है लड़की। कुछ और टॉपिक पे था जिसमें लिख ली, और बाकी मेरे फ्रेंड लोग लिख रही है, मेरे के क्या है जो बस अभी लिख ही रही हैं, पता नहीं इनका कब भाषण खत्म होगा। और वो सब बेंच नहीं है ना गाइस, वो सब बिरान बेंच है, वो भी कुछ दिन में भर ही जाएगा। और ये रहा हमारा कुरकुरे पैकेट, बस एक ही पैकेट है, दो दो उठाना है, जान दो ज़्यादा गाइस। यही दो फार्मूला है जिससे मेरा पूरा क्लास ओवर हो गया। और वो रहे हमारे सर जो अटेंडेंस ले रहे हैं। जेडी का क्लास हो रहा है, और जेडी की क्लास में लोग जेडी करने के बजाय ये देखिए मैं लंच कर रहा हूँ, क्योंकि सर चले गए हैं, बोलते हैं ना कि तुम लोग भागना मत, तो मैं नीचे जा रहा हूँ वगैरह करके निकल रहे हैं, क्योंकि क्लास में कोई है नहीं। सर बोलते हैं जेडी का मतलब तुम लोग जेडी करो आपस में, और खुद चले गए स्टाफ रूम में ताला लॉक करके, तो हम लोग भी निकल लिए क्लास से। सो फाइनली आप डायरेक्टली हम यही कहना चाहते हैं कि बंक करके क्लास हमको जा रहे हैं घर। तो कृतिका क्या कहना चाहती हूँ आज के क्लास के बारे में? नो वर्ड्स, हमारे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, हम क्या ही बोलें, अंदर सब लोग पूरा बर्बाद हो चुके हैं।
लोग कॉलेज से निकल रहे हैं तो हम लोग चलते हैं। क्लास व्लास चल नहीं रहा है सो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। इधर एक तो हमारे गार्ड अंकल जी है तो बहुत उदास लगता है, पेमेंट नहीं मिला है उनको। सोचते हैं आज इनको क्लास कैसा लगा, बताइए। बोरिंग। जो जो मेरा ब्लॉग देख रहा है ना व्हाट्सएप पे मैसेज से मत देखो, आज के बाद बंद करो उसको, दिल पे लेकर कॉलेज नहीं आना है, ठीक है? हम तेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कि कृपा कॉलेज आना है कि नहीं। सुपर मेरी फ्रेंड, मैं कॉलेज से आ गई, चलते हैं रूम। अब मैं जा रही हूँ, मैं सीढ़ी चल रही हूँ। ये मेरी ऑनर का रूम है, मैं सबसे पहले फ्लैट पर रहती हूँ। सो मैं एंटर कर गई। पानी पी लेते हैं क्योंकि मैं नाश्ता किए वगैरह मैं कॉलेज चली गई थी और प्लस में पैदल आई हूँ। बहुत धूप, बहुत गर्मी था। तो आज का ब्लॉग मैं आज यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।